नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी, आदाब। नाजरीन, मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत गुज़स्त रोज़ मऊ शहर के डोमनपुरा गोलवावा का मदरसा फैज़ुल उलूम निस्वा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी चाइल्ड मजिस्ट्रेट विनीता पांडे ने शिरकत की। इस दौरान तालबात को तहफ़ से मतलब मुख्तलिफ़ नुकात पर मालूमात फराहम करते हुए कहा कि बच्चियों के तहफ़ के लिए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ बहुत ही फ़िक्रमंद हैं, और उसी फ़िक्र के नतीजे में बच्चियों को तहफ़ फराहम करने के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने तालबात को खिताब करते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हुए कहा कि अगर कोई शख्स आपको बिला सबब कहीं ले जाने की कोशिश करे या आपको किसी गलत काम के लिए आमादा करे तो आप उसकी शिकायत फौरी अपने वालदैन से करें, और अपने वालदैन से नहीं कर सकती हैं तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत करें, और अगर वहां पर भी इसकी शिकायत नहीं कर सकती हैं तो 1090, 112, 108 जैसे ख्वातीन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आपके नाम को पोसीदा रखा जाएगा और जो भी शख्स आपके ऊपर फिक्रे कसता हो या छेड़खानी करता हो वो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बच्चियों के सरपरस्त को भी खिताब करते हुए कहा कि आप पर भी यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी अपने बच्चों और बच्चियों पर खुसूसी नज़र रखें, उनके हकूक अदा करें। जो बच्चे इस दुनिया में आ चुका है उसको ज़िंदगी जीने का पूरा इख्तियार है। लड़के और लड़कियों में किसी भी तरह का इम्तियाज़ न करें। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी तालीम और तरबियत दें। लड़के और लड़कियों में किसी भी तरह का इम्तियाज़ न करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों के मसावी हकूक हैं, उनका ख़ास लिहाज रखें। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हुकूमत की जानिब से ख्वातीन के लिए जितनी भी फलाही स्कीमें चल रही हैं हम उसको बताएं और लोगों को बेदार करें ताकि वो उन स्कीमों से फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहती हैं मोहतरमा विनीता पांडे, जो चाइल्ड मजिस्ट्रेट हैं और साथ में सोशल एक्टिविस्ट नूपुर अग्रवाल। मेरा नाम विनीता पांडे है, मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य मजिस्ट्रेट हूँ। मैडम, आज 18 साल के नीचे के बच्चों का केस देखती हूँ। जी मैडम, आज मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत आप यहाँ पे आई हैं, क्या है प्रोग्राम आज, खास प्रोग्राम क्या आप बताना चाह रही हैं? मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश में आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, इतना कठोर कानून बनने के बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा, बहुत चिंतित हुए, सोचे कि क्यों नहीं इस पर एक जागरूकता अभियान किया जाए। हो सकता है कि लोगों में इसकी जानकारी ना हो, इस जानकारी का अभाव हो, तो उन्होंने 180 दिनों का यह कार्यक्रम रखा है पूरे प्रदेश भर में, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति हर स्कूल कॉलेज या जहाँ पे भी महिलाएं हैं, जहाँ पे बच्चियां हैं, वहाँ पे जाकर सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं, महिला कल्याणकारी योजनाएं, कानून की सारी जानकारियाँ, जितने सारे हेल्पलाइन हैं, उनको किस कंप्लेन के लिए कहाँ जाना है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, जन जन तक पहुँचिए और इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ख्वातीन के साथ जो क्राइम रेट है वो कम नहीं हो रहा है, क्या वजह समझ सकती हैं? सर, वही बात है कि जागरूकता की कमी है। अब वो जागरूकता हो रहा है पूरे प्रदेश में, अगर इस तरह की सारे जिले में इस तरह का कार्यक्रम होगा तो जाहिर सी बात है खबर बहुत अच्छी जाएगी और जन जन तक लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश में कानून कितना कठोर हो गया है। कोई भी अगर हम छोटी मोटी अपराध करते हैं तो कितना बड़ा उसका सजा हो जाता है, और अगर इस तरह की जानकारी सबको हो जाएगी तो क्राइम रेट कम होगा। क्या पैगाम देना चाहती हैं आप बच्चियों को? मैं सारी महिलाओं और बच्चियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप डरिए नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपके साथ कानून खड़ा है, आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, प्रशासन खड़ा है। आपको बस थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी बुद्धिमानी करनी है कि आप अगर किसी मुसीबत में हैं तो जितने सारे हेल्प लाइन है उस पर यूज़ कीजिए। हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क बना हुआ, वहाँ जाइए अपना कंप्लेन दर्ज कराइए। हर तहसील में एक हेल्प डेस्क है, वहाँ जाइए कंप्लेन कराइए। आप बिल्कुल चुप नहीं रहिए, अपनी आवाज़ उठाइए, आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। महिलाओं को सुरक्षा देने में
प्रशासन क्या दिक्कतें महसूस कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं अधिकतर? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आ नहीं पाती हैं, प्रशासन के सामने आ नहीं पाती हैं। जब वो सामने आती हैं, जब उस घटनाओं के बारे में जानकारी होती है, तो सिस्टम तो जो होता है, थोड़ा मोड़ा सिस्टम करने के बाद उसको कार्रवाई मिलती है, त्वरित कार्रवाई होती है, उसको न्याय मिलता है। प्रशासन कभी भी चुप नहीं होता है, उसको न्याय दिलाता है, बस जानकारी होने की देरी होती है। मैं नूपुर अग्रवाल, समाज सेविका जी। आज मिशन शक्ति प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का क्या मकसद है? इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुछ महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क लाइन नंबर जारी किया गया है। वो नंबर जो है, हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन नंबरों को हम सारी महिलाओं तक, बालिकाओं तक पहुँचाएँ, और वो महिलाओं को उस नंबर का उपयोग करके उनकी सुरक्षा दी जा सके। ख्वातीन को तहफ़ सिक्योरिटी के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, लेकिन देखा जाए तो रियासत में जो क्राइम रेट है ख्वातीन को लेके बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? जी नहीं, अगर पहले से देखा जाए तो जो रेप का जो मामला है, जो क्राइम का जो मामला है, उसका रेशियो पहले से बहुत कम हो चुका है, और इसी सब चीज़ों को देखते हुए ही आज ये सरकार ने फैसला लिया है कि इस चीज़ों को एकदम शून्य पर लेकर के आना है, और इसमें जो समाज के जागरूक महिलाएं हैं वो सब आगे बढ़ करके आएँ और इस चीज़ को और अभियान चलाते जाएंगे कि कैसे इसको हमको दूर करना है, कि रेप होना ही नहीं चाहिए, रेप के पहले रेप होता ही क्यों है। हम महिलाएं ये पूछते हैं कि रेप होने के पहले इसको ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाए, क्राइम क्यों हो रहा है, उस क्राइम को दूर करने के लिए ही महिला जो नंबर बनाया गया 1090181, इन नंबर पे आप कॉल करिए, और कोई अगर महिला परेशान है, कोई पीड़ित परेशान है, तो आप उस पर नंबर कॉल करके आप अपनी परेशानी वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। घरेलू तशद्दुद जो है, घरेलू तशद्दुद ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा एक शिकायत मिल रही है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? उसके लिए भी वही है कि हर पुलिस थाने पर एक महिला को बैठाया गया है, क्योंकि एक महिला ही एक महिला का दर्द समझ सकती है। जब एक महिला, अगर उसको परेशानी है और वो अपनी परेशानी को जाकर जब एक महिला से बोलेगी, तो उस महिला को दर्द समझ में आएगा और उसको परेशानी को दूर किया जा सकेगा। ठीक, थैंक यू।